हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल आर किचन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सारे के सारे ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए, एक कटोरी मैंने मूँग की दाल इसे अच्छे से साफ कर लिया है। साफ करने के बाद इसे हम आधे से एक घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे पानी में। इसमें पानी डाल के भिगो कर रख देते हैं। तो देखिए, दाल हमारी अच्छे से भीग गई है। इसे मैंने दो तीन बार वॉश कर लिया आधे घंटे के बाद। अब इसे मिक्सी में थोड़ा दरदरा सा पीस लेते हैं पल्स मोड पे। इसमें पानी ना डाले, ऐसे ही पीस ले। तो देखिए, दाल मैंने पीस ली है। इसे ज़्यादा बारीक नहीं करना, थोड़े दाल के टुकड़े होने चाहिए, थोड़ी सी बारीक होनी चाहिए। दर दर पल्स मोड पे एक दो सेकंड में ही पीस जाती है ये। देखिए, इस तरह से पीसनी है दाल। तो इसे एक डोंगे में निकाल लेते हैं। इसे निकालने के बाद इसमें हम अब स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, और चुटकी भर थोड़ा सा मीठा सोडा डाल देंगे, और इसे मिक्स करके फॉर्मेट आने के लिए रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। इधर हम अपना मसाला तैयार कर लेंगे। तो इसे एक तरफ रख देते हैं ढक के। थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है मैंने, आप चाहे तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए। तो इसे एक तरफ रख देंगे। ये मैंने दो टमाटर तीन प्याज लिए हैं। टमाटर को ऊपर से काट के और प्याज का छिलका उतार कर इसको बारीक काट लेंगे। तो देखिए, इसमें मैंने तीन से चार कलियां लहसुन के लिए, तीन से चार हरी मिर्च ली है, इन्हें काट लेते हैं। काटने के बाद अब मैंने गैस पे पैन रख दिया है और गैस ऑन कर दिया। इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें लहसुन कलियां हरी मिर्च डाल देंगे, इन्हें फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें प्याज डाल देंगे, प्याज को भी फ्राई कर लें। प्याज जब हमारी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे ताकि मसाले में हमारा थोड़ा नमक हो जाए, और टमाटर गलने तक ये मसाला हम पका लेते हैं। इसे मीडियम आंच पर पकाना है। तो देखिए, टमाटर हमारे गल चुके हैं। इस मसाले को हम एक तरफ रख देते हैं ठंडा होने के लिए। इसका बाद में हमें पेस्ट बना लेना है। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी, इसमें सरसों का तेल डाल दिया, तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। और इधर जो हमारी दाल रखी थी वो फॉर्मेट हो चुकी है, उसमें मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दिया है। अब इस तेल को गर्म होने के बाद उस दाल की छोटी छोटी सी मंगोड़ियाँ बना लेते हैं, छोटे छोटे आकार की, जितने की हमारी बढ़िया होती हैं। इन्हें एक तरफ से सेकने के बाद दूसरी तरफ पलट देंगे और थोड़ा सा गोल्डन होने तक सेक लेते हैं। और देखिए, एक तरफ से सिक गए, दूसरी तरफ से सेक लेते हैं पलट के। जब ये हल्की गोल्डन हो जाएंगी तो इन्हें निकाल लेंगे, और इसी तरह से हम सारी बढ़िया सेक लेंगे। गैस को मीडियम पर रखें, ज़्यादा हाई ना करें। और देखिए, बढ़िया हमारी सीख चुकी है, इन्हें निकाल लेते हैं इनका तेल निकालने के बाद। जो इनमें एक्स्ट्रा ऑयल होता है इस तरह से निकल जाता है वो। इस तरह से अगर आप चमचा कढ़ाई के पास रखेंगे तो एक्स्ट्रा ऑयल नीचे निकल जाता है।
तो इसी तरह से मैं बाकी बची हुई दाल की बड़िया उतार लेती हूँ। तो देखिए बढ़िया हमारी बनकर तैयारी है। ऊपर से कुरकुरी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं। आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं बिना सब्जी बनाए भी। तो उसी कढ़ाई से मैंने जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो निकाल लिया है, और उसी में मैंने एक तेज पत्ता, एक इलायची और एक लौंग डाल दी है, और उसके बाद मैंने एक चम्मच जीरा डाल दिया है। अब थोड़ी सी हींग डाल दी है और जीरे को हम तड़कने देते हैं अच्छे से। जब जीरा हमारा अच्छे से तड़क जाएगा तो जो हमने प्याज लहसुन और टमाटर का पेस्ट बनाकर रखा था वो इसको डाल देंगे इसमें, और इस पेस्ट को अच्छे से मिला लेंगे और धीमी गैस पे पकाएंगे। एक दो मिनट के बाद मसाला पकने के बाद इसमें हमने कुछ सूखे मसाले ऐड करने हैं। तो इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर देते हैं। मैंने एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच किचन किंग मसाला और एक चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया, और थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी डाल दी है आधी चम्मच के करीब। इसको मिक्स कर लेते हैं, इन मसालों को पकने देते हैं। जब ये मसाला हमारा तेल छोड़ देगा तो हम इसमें आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया, इसमें मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है। दोनों हथेली से रगड़कर कसूरी मेथी डाले, इससे खुशबू अच्छी आती है। मसाला हमारा अच्छे से पक गया है, इसने सारा तेल छोड़ दिया है। अब इसमें मैंने नमक डाल देना है। तो नमक डाल दिया, नमक को मिला लेते हैं। अब इसमें आप पानी डाल दें, एक गिलास करके करीब मैंने पानी डाल दिया है। ये थोड़ी सी मैंने चीनी डाल दी है जिससे कि थोड़ा खट्टा मीठा सा टेस्ट आए, आधी चम्मच चाहिए। और एक गिलास पानी डालकर इसको पानी को पकने के लिए रख देंगे ढक के। 5 मिनट में पानी हमारा अच्छे से पक जाएगा। देखिए पानी हमारा उबलने लगा है। इस पानी को हमें पकाना है, इसका कच्चापन दूर करना है। तो पानी हमारा अच्छे से उबल चुका है। अब इसमें हमने बढ़िया डाल देनी है मूँग की दाल की, और इसे 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे क्योंकि पानी हमारा पक चुका है और बढ़िया हमारी पहले से ही तैयार है। तो देखिए तैयार है हमारी मूंग की दाल की बड़ी की सब्जी, टेस्टी सी। इसको हरे धनिया के साथ गार्निश कर लें। ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार है खाने में कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसको मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। इसके ऊपर थोड़ी सी आप घर की फ्रेश मलाई डाल सकते हैं, 1 से 2 चम्मच। तो दाल को ऐसे भिगो कर फटाफट से बढ़िया बनाकर घर में तैयार करके ये सब्जी तैयार कर ले। ये सब्जी मलाई कोफ्ते के जैसी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।